मुश्किल है। जी हाँ, मुश्किल है। अपने बातों को बहुत ही आसानी से रख पाना मुश्किल है। किसी कैसे इंसान से जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, उनसे अपनी दिल की सारी बातें कह पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब हम लिख लेते हैं। ऐसी ही मेरी एक कविता 2018 की लिखी हुई आज आप सभी तक रखना चाहूँगा। और उससे पहले देश और दुनिया के तमाम माता पिताओं को मेरा सत सत नमन। एक शख्स जो मुझसे कभी कुछ कहते नहीं, सिवाय इसके कि सुबह जल्दी उठा करो, फिर नहा लेना, दिन का दो वक्त पढ़ाई ज़रूरी है, स्कूल रोज़ जाया करो, तुम्हें मुझसे बेहतर बनना है इसलिए मेहनत करो। एक शख्स जो माँ के हमेशा हमें डांटने पर खामोश रहा करते हैं, जो सब सुनकर भी अनसुना कर दिया करते हैं और बात बर्दाश्त पड़े होते ही माँ बेटे दोनों को झाड़ दिया करते हैं। एक शख्स जो हमारी ख्वाहिश और ज़रूरत का फ़र्क हमारे ही बातों से समझ जाया करते हैं, वक्त की कमी के साथ वो तोहफ़ों से प्यार जताते हैं, उनके सामने ज़रूरत महज एक शब्द और उसका पूरा होना ज़रूरी हो जाता है। जिनके इतिहास से परिचय घड़ी दो घड़ी हम हो लिया करते हैं, यकीनन ये शेर को सिखाया शिकार का एक तरीका है। एक शख्स जिनसे रिश्ता थोड़ा पेचीदा है। बात मेरे स्वाभिमान की हो या उनके गुस्से की, बात मेरे स्वाभिमान की हो या उनके गुस्से की, हम दोनों पीछे कभी हटते नहीं। माँ का दिन भर का फटकार तो अनसुना हो जाता है, लेकिन उनके आगे मेरी चलती नहीं। मेरी माँ मेरे और उनके बीच अनुभावक नजर आती है। जब भी बिन गलती डांट पड़ती है, बात उनसे बंद हो जाती है। फिर बात मेरे ज़रूरत की हो तो बातें होना भी ज़रूरी हो जाता है, उनकी ज़रूरत का ध्यान भी तो मेरी हरकतों से दिख जाता है। एक शख्स जिन्हें समझना मेरे समझ की बात नहीं, एक शख्स जिनसे मेरा रिश्ता मेरे बातों, मेरे आँखों, कभी मेरे गुस्से में दिख जाता है, एक शख्स जिनसे सारी बात करने को दिल करता है। उन पर लिखना इतना आसान तो नहीं, उन पर लिखना इतना आसान तो नहीं कि कहीं मेरा ईगो आ जाता है, कहीं उनका एक अलग नज़रिया। पर वो वही शख्स है कि स्टेज पर जाने से पहले जिनके सामने 10 बार प्रैक्टिस ज़रूरी लगता है। बाइक पर जब वो मेरे पीछे होते हैं स्पीड चाहे जितना भी हो, मुझे हमेशा कम और उन्हें हमेशा ज़्यादा लगता है। ये शख्स वही है जिनके चलते मैं यहाँ हूँ, ये शख्स वही है जिन्हें मैं बाबा कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये कविता सुनने के लिए। मैं अरधिंदु भट्टाचार्य जी अपने टीम ओरिचिरा की तरफ से देश और दुनिया के तमाम पापाओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वे हैं तभी हम हैं। और कविता पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।